मॉर्निंग क्लास बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी बुक शब्द ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना। अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िए पहले और फिर हम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पढ़ना। तो पहले हम क्या करेंगे, आ से आहा, का से ज्ञान, दो अक्षर तीन अक्षर पढ़ लेंगे फिर लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। अ आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईं, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, अ से औरत, अंग से अंगूर, आहा से कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका आ से आ तक हो गया, आ से नारा, से आम। अब चलिए हम का से कबूतर पढ़ लेते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घा से घर, अंगा से कुछ नहीं, चा से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, झा से झंडा, इया से कुछ नहीं, टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, अड़ा से कुछ नहीं, ता से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, बा से बत्तख, भा से भालू, म से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वक, शा से शलजम, पेटा शा से षटकोर, सा से सर्प, हा से हल, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ग्या से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक। तो ये आपका से हका से ज्ञान हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। और ये है दो वर्णों से बने बिना मात्रा के शब्द। ठीक है, जगा जग, हल हल, रथ रथ, टब टब, घर घर, थन थन, फल फल, नल नल, गऊ गऊ, खत खत, वक वक, यज्ञ यज्ञ। ये सब हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, पढ़ाते चले आ रहे, आपको याद हो गया होगा खूब अच्छे से। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन वर्णों से बिना मात्रा वाले बनने वाले शब्द। ठीक है, तो ये है तीन वर्णों से बने बिना मात्रा वाले शब्द। क ल म कलम, क ल श कलश, म ग र मगर, क म ल कमल, रबर रबर, न य न नयन, शहद शहद, बतख बतख, भवन भवन, मटर मटर, भगत भगत, सड़क सड़क। तो तीन वर्णों से बनने वाले शब्द हमने पढ़ा लिया, दो से पढ़ा दिया। अब चलिए हम लिखने का काम करते हैं, रिटेन वर्क। ठीक है, तो ये है दो वर्णों की सहायता से शब्द बनाइए, ये हमने करवाया था ना आप लोगों को। अब चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया था, कैसे हमने आपको करवाया था, इसको समझ में आ गया था। अब चलिए आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ है दो वर्णों की सहायता से शब्द बनाकर लिखिए। क्या कह रहा है, दो वर्णों की सहायता से शब्द बनाकर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। जैसे इसमें लिखा गया था वैसे ही इसमें भी लिखना है। तो हम डेट डाल देंगे, और यहाँ लिख देंगे सी डब्ल्यू, और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो बोल बोल कर लिखना है, तो लिखिए मेरे साथ घ और र, घर, ह ला हल, न और ल नल, च ला चल,
और न, धन ग उ, गऊ, म ग मग, न थ नथ, क और प कप। अब इधर बढ़ते हैं, स और ब सब, ब स बस, यज्ञ यज्ञ, ख त खत, द और स दस, र ब रब, फिर ध और न, धन न ग नग, ल व लव। तो ये आपका बिना मात्रा शब्द हमने लिख दिया। दो वर्णों की सहायता से शब्द आपको बनाकर लिखना था तो हमने बना दिया। घर घर, हल हल, नल नल, चल चल, थन थन, गऊ गऊ, मग मग, नथ नथ, कप कप। फिर देखिए, सब सब, बस बस, यज्ञ यज्ञ, खत खत, दस दस, रब रब, धन धन, नग नग, लव लव। तो ये आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो गया। देखिए, ये आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको देख लीजिए कायदे से कैसे हमने लिखा है, आप भी वैसे ही लिखिएगा, और जो भी लिखिएगा उसको बोल बोल कर लिखिएगा। जब बोल बोल कर लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा है बोल बोल कर, वैसे आप भी बोल बोल कर लिखेंगे। पेज नंबर इस आपका 53 है। कितना है? 53 एक्टिविटी बुक है आपकी, उसमें हमने आपको पढ़ाया है और लिखाया भी उसी में है। क्लास वर्क होमवर्क सब इसी में हमने करवा दिया है। बोल बोल आपको पढ़ना है, लिखना है। देख लीजिए खूब अच्छे से। हो गया आपका एग्जाम पास होने वाला है, आने वाला है। तो दो वर्णों से बनने वाले शब्द भी लिखने के लिए आएंगे, तो जितना लिखेंगे उतना आपको याद होता जाएगा। तो कोशिश कीजिए, बोल बोल कर लिखिए, बोल बोल कर लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम होमवर्क नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज आपका होमवर्क है। तो यहाँ हम डेट डाल देंगे,
और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और ये क्या है, तीन वर्णों से बने अभाजक शब्द, ठीक है। तो देखिए, तीन वर्णों से बिना कटे, मतलब जिसका बिना मात्रा वाले शब्द हैं, तीन वर्णों से, ठीक है। अब हमने आपको पहले इसको कॉपी में लिखवा दिया है, बुक में बाद में हो रहा है, तो आपको पहले से ही याद है, ठीक है ना। तो क लश कलश, म ग रा मगर, क म ला कमल, न या ना नयन। इसी को बोल बोल कर पहले डॉट डॉट पर पेंसिल चला लीजिएगा, उसके बाद पूरा इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बोल बोल कर आपको पूरा करना है, ठीक है। क्या आपका होमवर्क हो गया। पेज नंबर 54। तो ये आपका आज का ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक मन लगा के पढ़िए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।